स्ट्रेन में जब हम डेल्टा लिखेंगे तो डेल्टा एल को क्या लिखेंगे, एल टू माइनस एल वन अपॉन एल वन। एल वन क्या है, एल वन इज द ओरिजिनल लेंथ। देखिए मैंने यहां पर बताया था ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ का क्या मतलब है, इनिशियल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ को आप इनिशियल लेंथ भी बोल सकते, इनिशियल लेंथ। ओके, सो एल टू माइनस एल वन अपॉन एल वन, दिस इज द टेंसाइल स्ट्रेन। अब मुझे आप बताइए, जब किसी भी मटेरियल में टेंशन होगी तो उसमें लेंथ बढ़ेगी या कम होगी, लेंथ बढ़ेगी। तो अगर लेंथ बढ़ेगी तो फाइनल लेंथ विल बी ग्रेटर देन इनिशियल लेंथ। अगर फाइनल लेंथ ग्रेटर देन इनिशियल लेंथ है तो इट मींस टेंसाइल स्ट्रेन जो आएगा दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेंसाइल स्ट्रेन विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। सेकेंड थिंग इज कंप्रेसिव स्ट्रेन। कंप्रेसिव स्ट्रेन भी क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल, एंड डेल्टा एल को हमेशा क्या लिखना है, एल टू माइनस एल वन अपॉन एल वन, क्योंकि ये ओरिजिनल लेंथ है नीचे वाली, ठीक है। और डेल्टा एल हमेशा क्या होता है, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ को क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इट मीन्स एल टू माइनस एल वन। अब आप मुझे बताइए, जब भी किसी मटेरियल में या जब भी किसी मेंबर में कंप्रेशन होगी तो कंप्रेशन में लेंथ बढ़ेगी या कम होगी, कंप्रेशन में लेंथ कम होगी, तो इट मीन्स फाइनल लेंथ विल बी लेस देन इनिशियल लेंथ। अगर फाइनल लेंथ इनिशियल लेंथ से कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि L2 माइनस L1 क्या है, नेगेटिव। तो इसका मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेन कैसा होगा, नेगेटिव। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेन। ओके, सो अगर हम यहां पर इस चीज की समरी लिखें तो आपको एक चीज जो ध्यान में रखनी है वो क्या है, नॉर्मल स्ट्रेन इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विच इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ को इनिशियल लेंथ भी बोलते हैं और इसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। अगर एप्सिलॉन टी है तो वो टेंसाइल स्ट्रेन है विच इज डेल्टा एल अपॉन एल एंड इट इज पॉजिटिव। अगर एप्सिलॉन सी है तो इट इज डेल्टा एल अपॉन एल विच इज नेगेटिव। ठीक है, बस यही चीज आपको यहां पर क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो कंप्रेसिव स्ट्रेन को हमेशा माइनस से लिखेंगे, ये ध्यान में रखना है हमेशा। नेक्स्ट थिंग, शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन कब आएगा, जब शियर लोडिंग होगी। ये कैसी लोडिंग थी, नॉर्मल लोडिंग थी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे शियर लोडिंग, ठीक है, शियर लोडिंग में शियर स्ट्रेन देखेंगे। सो देखिए शियर स्ट्रेन, लेट अस से ये एक मेंबर है, इस मेंबर पर हमने एक लोड लगाया इस तरीके से, इस तरीके से लोड लगाया और ये नीचे से फिक्स है, मान लीजिए नीचे से फिक्स है। ओके, सो जब हमने इस पे लोड लगाया तो जो इसकी अपर लेयर है इट विल मूव फॉरवर्ड, क्योंकि ये एक डिफॉर्मेबल बॉडी है। डिफॉर्मेबल बॉडी में क्या होगा, अपर लेयर आगे जाएगी और ये फिक्स है तो ये पीछे रह जाएगा, ठीक है। तो इट मींस इसमें जो डिफॉर्मेशन आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, इसमें जो डिफॉर्मेशन आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। देखिए इस तरीके से इसमें डिफॉर्मेशन आएगी। सो इसमें जो स्ट्रेन आया वो कैसा आया, स्ट्रेन कैसा आया, स्ट्रेन मतलब कैसा आया, जो इसकी वर्टिकल वॉल थी वो कैसे हो गई, इंक्लाइंड हो गई। देखिए क्या, मैं इस चीज को यहां से इरेज कर रहा हूं, सिर्फ इसका फ्रंट व्यू ले रहा हूं। क्या, तो इसमें जो था वर्टिकल जो इसका साइड था वो कैसा हो गया, इंक्लाइंड हो गया। वर्टिकल साइड इंक्लाइंड मतलब यहां पर कुछ ना कुछ एंगल आया, दैट इज गामा। दिस एंगल, जो एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन है यहां पर, देखिए पहले वर्टिकल था, वर्टिकल से इंक्लाइंड हो गया। This angle, angle of deformation is called shear strain. Angle of deformation is called shear strain. Let us say this is dy and this is dx. Then tan gamma will be equal to dx upon dy. Tan gamma will be equal to dx upon dy. This is the shear strain. Or you can say tan gamma will be equal to gamma, approximately equal to gamma, because gamma is very small,
गामा जो है वो बहुत छोटा है क्योंकि यहां पर डिफॉर्मेशन बहुत छोटी होगी, सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी में डिफॉर्मेशन छोटी होती है। तो अगर गामा वेरी स्मॉल है तो इट मीन्स टेन गामा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू गामा। ठीक है, देखिए यहां पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। देखिए कैसे, लेट अस से इट इज टेन टेन ऑफ फाइव डिग्री, तो इसका आंसर क्या आएगा फिर, फाइव? नो, दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, दिस इज टेन ऑफ फाइव डिग्री, तो इसको हमने क्या लिखना है, यहां पर इसका आंसर लिखना है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये जो एंगल है ये एंगल आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा। रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई बाय 180 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे अब आप इसका आंसर लिख सकते हैं 5 इंटू पाई बाय 180। एक्चुअल में आंसर ये आएगा। ओके, क्लियर? सो टेन गामा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू गामा, इसका क्या मतलब है कि गामा आपने यहां पर रेडियंस में रखा था, रेडियंस का आंसर रेडियंस में ही आएगा। ऐसा नहीं है कि यहां पर अगर डिग्रीज है तो उसका आंसर आप डिग्रीज में लिखोगे, आंसर कभी भी डिग्रीज में नहीं लिखना है। ठीक है, रेडियंस में निकाल के आंसर लिखना है। सो गामा इज वेरी स्मॉल, दैट्स व्हाई टेन गामा कैन बी रिटन एज गामा, तो इट मींस गामा विल बी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई। सो दिस इज द शियर स्ट्रेन एंड सिमिलर टू नॉर्मल स्ट्रेन, जैसे नॉर्मल स्ट्रेन में यूनिट नहीं था तो शियर स्ट्रेन में भी यूनिट नहीं होगा। ठीक है, शियर स्ट्रेन में भी यूनिट नहीं होगा। ओके, चलिए कि यहां पर आपको और इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं। देखिए जैसे हमने ये बॉडी बनाई थी, इस बॉडी पर हमने लोड इस तरीके से लगाया था, एक और बॉडी बनाई थी, इस बॉडी पर हमने लोड ऐसे लगाया था, एक और बॉडी बनाई, इस पर हमने लोड ऐसे लगाया लेकिन इसको नीचे से फिक्स किया, तो हमें यहां से क्या क्लियर हो रहा है कि जब भी किसी बॉडी में हमने स्ट्रेन डेवलप करना है तो स्ट्रेन डेवलप करने के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि दैट बॉडी शुड बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। किसी भी बॉडी में अगर आपने स्ट्रेन डेवलप करना है तो वो बॉडी क्या होनी चाहिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि वो बॉडी मूव नहीं करनी चाहिए, उस बॉडी में डिफॉर्मेशन अगर प्रोड्यूस करनी है तो वो बॉडी मूव करनी नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए यहां पर एफ फोर्स है, यहां पर एफ फोर्स है, तो ये बॉडी जो है ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि जितनी फोर्स इधर से लग रही है उतनी ही फोर्स इधर से लग रही है, मतलब नेट फोर्स इस पे क्या है, जीरो। जब भी नेट फोर्स जीरो हो किसी बॉडी में तो इट मींस वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पर फोर्स F1 है और यहां पर फोर्स F2 है, लेट अस से F की वैल्यू 10 न्यूटन है, इसकी भी वैल्यू 10 न्यूटन है, तो अगर तो 10 न्यूटन दोनों तरफ से लग रहा है, देखिए ऐसे अगर दोनों तरफ से 10 न्यूटन लग रहा है तो इट मींस क्या है, बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी। क्लियर हो गया? अगर मान लीजिए ये फोर्स 12 न्यूटन है और ये फोर्स 10 न्यूटन है तो क्या अब इसमें स्ट्रेन डेवलप होगा या नहीं होगा? अगर अगर इसमें नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो है, इस पे नेट फोर्स कितनी है, अब एफ नेट कितनी है, एफ नेट इज इक्वल टू 12 माइनस 10 इक्वल टू 2 न्यूटन, और किस तरफ नेट फोर्स है, इस तरफ। ठीक है, तो क्या इसमें स्ट्रेन डेवलप होगा या नहीं होगा? नो, स्ट्रेन विल नॉट बी डेवलप क्योंकि इस पे नेट फोर्स क्या है, 2 न्यूटन, और ये बॉडी इस तरफ मूव कर जाएगी। देखिए इस तरफ की फोर्स ज्यादा है, इस तरफ की फोर्स कम है, तो देखिए ये क्या हो रहा है, मींस इसमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है, नो डिफॉर्मेशन मींस डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए, स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए नेट फोर्स क्या होनी चाहिए, किसी बॉडी में नेट फोर्स क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, या वो बॉडी क्या होना चाहिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। वही सिमिलर केस यहां पर था, यहां पर भी नेट फोर्स क्या है, जीरो। यहां पर देखिए यहां पर हमने नेट फोर्स जीरो करने के लिए उसको नीचे से फिक्स कर दिया था, नेट फोर्स जीरो करने के लिए उसको नीचे से फिक्स कर दिया था। इसके अलावा और केस क्या हो सकता था, ऐसे हो सकता था अगर, ठीक है, ये भी हो सकता है इसकी जगह पे, इसमें भी सेम केस आएगा, इसमें भी शियर डिफॉर्मेशन आएगी, शियर स्ट्रेन डेवलप होगा।
ठीक है, एंड दिस इज अ शियर फोर्स, शियर फोर्स है। तो आप जब भी आप किसी भी बॉडी में स्ट्रेन डेवलप करना चाहते हैं तो उस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, नेट मोमेंट भी जीरो होना चाहिए, बॉडी रोटेट भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, बॉडी रोटेट भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो नेट मोमेंट भी जीरो होना चाहिए और नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए। आई होप ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, तो हमने अभी तक यहां पर स्ट्रेन देख लिए। स्ट्रेन मीन्स सिंपली द डिफॉर्मेशन, और डिफॉर्मेशन किसी भी बॉडी में क्यों आती है, क्योंकि हमने उस पर फोर्स लगाई। देखिए उसको और थोड़ा सा बारीकी में समझते हैं। जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी पर हमने यहां पर फोर्स लगाई एफ एफ, इसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन पैदा हुई। डिफॉर्मेशन पैदा होने का क्या मतलब है, यहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स है, इसमें इसके एडजेसेंट कुछ और मॉलिक्यूल्स है, यहां पर कुछ और मॉलिक्यूल्स है। जब हमने यहां पर फोर्स लगाई है तो हमने क्या किया, एक्चुअली जो बिल्कुल एक्सट्रीम साइड वाले मॉलिक्यूल्स है उनको हमने अपनी तरफ खींचा, जो बिल्कुल आउटर मॉलिक्यूल्स है उनको हमने इस फोर्स के साथ आउटवर्ड्स खींचा है। जब ये मॉलिक्यूल्स आउटवर्ड्स जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि यहां से हम बॉन्ड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इन मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। यहां से इन मॉलिक्यूल्स के साथ हम क्या कर रहे हैं, बॉन्ड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब यहां से जब हम खींच रहे हैं तो इन मॉलिक्यूल्स से जो बॉन्ड है वो यहां से टूटने तोड़ने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। अब क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इनके भाई हैं और ये अपने भाइयों को दूर नहीं जाने देंगे। तो अगर ये अपने भाइयों को दूर नहीं जाने देंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये भी उतनी ही फोर्स से अपनी तरफ खींचेंगे। जिस फोर्स से हमने इन मॉलिक्यूल्स को बाहर की तरफ खींचा है उसी फोर्स से ये उसको अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमने यहां पर फोर्स लगाई इस फोर्स की वजह से यहां पर एक रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा, रेजिस्टिंग फोर्स, ठीक है। ये रेजिस्टिंग फोर्स क्या कर रहा है, इन मॉलिक्यूल्स को बाहर की तरफ जाने से रोक रहा है, समझ आया, ठीक है। तो मतलब हमने क्या कोशिश की, स्ट्रेन प्रोड्यूस करने की कोशिश की, बट जैसे ही हमने स्ट्रेन प्रोड्यूस किया वहां पर एक रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगी, एंड दिस रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो यहां से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि हमने पहले स्ट्रेन डेवलप किया, स्ट्रेन डेवलप करने के बाद उसमें एक रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हुई, एंड दैट रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, समझ आया। तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेस डेवलप्स आफ्टर स्ट्रेन, पहले स्ट्रेन डेवलप हुआ फिर स्ट्रेस डेवलप हुआ, क्लियर। सो स्ट्रेस इज रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेस क्यों डेवलप हो रहा है, सिंपली जो हमने यहां पर मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड तोड़ने की कोशिश की है वही बॉन्ड जो है उनकी जो एनर्जी है वो बॉन्ड्स की एनर्जी ही इसमें रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप कर रही है, समझ आ गए, ठीक है। सो रेजिस्टिंग फोर्स इज न्यूटन अपॉन एरिया इज मीटर स्क्वायर, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल्स। वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड पास्कल, दिस इज इंपॉर्टेंट यूनिट, ठीक है। तो ध्यान में रखना है स्ट्रेस का जो ऐसा यूनिट है दैट इज पास्कल, स्ट्रेस का ऐसा यूनिट इज पास्कल। एक चीज और जो आपको ध्यान में रखनी है, 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या इक्वल टू 10^5 पास्कल इज इक्वल टू 1 bar, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट यूनिट, 1 bar, ठीक है। 1 megapascal इज इक्वल टू 10^6 पास्कल, इक्वल टू 10^6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 bar, सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 10^6 न्यूटन पर, देखिए मीटर स्क्वायर जो है, मीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं,
1000 into 1000 mm का स्क्वायर. सो यू कैन राइट इट एज 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके, सो ये हमें ध्यान में रखना है यहां पे. क्लियर? ओके. एक बार मैं यहां पर दोबारा लिख देता हूं कि आप नोट कर लीजिए. क्या मैंने टाइम नहीं दिया, सॉरी. 1000 इंटू 1000 mm स्क्वायर, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो ये नोट कर लीजिए. ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस. अभी हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स डिस्कस किया था, अब हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस डिस्कस करेंगे. और स्ट्रेस को डिनोट करते हैं सिग्मा से. सॉरी, अभी आगे देखेंगे स्ट्रेस का जो इसको कैसे डिनोट करते हैं. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस को डिफरेंट साइन से डिनोट करते हैं. ठीक है, आगे देखेंगे. सो टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस में सबसे पहला है नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस. एंड सेकेंड इज शियर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस. ओके, नॉर्मल स्ट्रेस में जो हमने पढ़ना है, ज्यादातर पढ़ना है, वो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पे हमने ज्यादा फोकस करना है. क्योंकि क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज इंपॉर्टेंट, क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बार इज इंपॉर्टेंट, क्रॉस सेक्शन ऑफ ए शाफ्ट इज इंपॉर्टेंट. सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में हमारे पास दो तरह के स्ट्रेस होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस. टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस. नॉर्मल स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय सिग्मा, सिग्मा से डिनोट करते हैं. और शियर स्ट्रेस को टाउ से डिनोट करते हैं. नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं और शियर स्ट्रेस को टाउ से डिनोट करते हैं. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में टेंसाइल और कंप्रेसिव होते हैं. तो टेंसाइल को आप बोल सकते हैं सिग्मा टी एंड कंप्रेसिव को सिग्मा सी. टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा? टेंसाइल फोर्स अपॉन एरिया. कौन सा? क्रॉस सेक्शन एरिया. अच्छा, एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, क्या है? स्ट्रेस इज रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. रेजिस्टिंग फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स. देखिए एक्चुअली क्या होता है, कॉन्सेप्ट तो रेजिस्टिंग फोर्स का है, लेकिन मैग्नीट्यूड में रेजिस्टिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स दोनों इक्वल होते हैं. स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस में कॉन्सेप्ट किसका है? रेजिस्टिंग फोर्स का. स्ट्रेस डेवलप क्यों हो रहा है? रेजिस्टिंग फोर्स की वजह से हो रहा है. बट रेजिस्टिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है. तो इसीलिए आप स्ट्रेस का फॉर्मूला अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया भी लिख सकते हैं. ठीक है, अप्लाइड, अगर आपने स्ट्रेस कैलकुलेट करना तो अप्लाइड फोर्स से ही कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, उसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि रेजिस्टिंग फोर्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले फिर देखेंगे, क्योंकि रेजिस्टिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होता है. तो अगर आप अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया भी कर देंगे तब भी स्ट्रेस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी. ठीक है, तो इसीलिए अगर हम किसी भी बॉडी पर टेंसाइल फोर्स लगाएं, FFT टेंसाइल फोर्स हमने लगाई, टेंसाइल फोर्स की वजह से, ये टेंसाइल फोर्स कहां पर लगी है? इसके क्रॉस सेक्शन पर लगी है, इसके क्रॉस सेक्शन पर लगी है. ठीक है, तो टेंसाइल फोर्स अपॉन द क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस. टेंसाइल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस. सिमिलरली कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है? कंप्रेसिव फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, कंप्रेसिव फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस. दिस इज कंप्रेसिव स्ट्रेस. ओके, दिस इज कंप्रेसिव स्ट्रेस. जो लोड है, लोड इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन. ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन के लिए कैसा लोड है? ये नॉर्मल लोड है. तो क्रॉस सेक्शन पर स्ट्रेस कैसा डेवलप होगा? नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा. क्लियर? देखिए एक चीज ध्यान रखिए, दिस इज द क्रॉस सेक्शन. और मान लीजिए यहां पर हमने लोड लगाया ऐसे,
इस तरीके से हमने लोड लगाया, दिस लोड इज नॉर्मल टू दिस एरिया, ठीक है, बट दिस लोड इज पैरेलल टू दिस एरिया, इस एरिया के पैरेलल है, देखिए इस एरिया के पैरेलल है, ठीक है। तो जो ये वाला एरिया है इस एरिया पर कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, नॉर्मल, बट जो ये वाला एरिया है इस पर कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, शियर, क्यों, क्योंकि दिस लोड इज पैरेलल टू दिस एरिया और इसके ऊपर एक और लेयर है, इसके ऊपर एक और लेयर है, एक और लेयर है, एक और लेयर है, वैसे करके यहां तक पूरी लेयर्स है सर्फेसिस की और नीचे भी ऐसी है, नीचे भी ऐसी है और सभी लेयर्स इस लोड के कैसे हैं, पैरेलल, तो इट मीन सभी लेयर्स पर कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, शियर, और जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो कहां पर डेवलप होगा, सिर्फ क्रॉस सेक्शन पर, जो क्रॉस सेक्शन है वहां पर नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा और जो उसकी लेयर्स हैं उन पर कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, शियर, ठीक है। ये तो थी हॉरिजॉन्टल लेयर्स, ये हैं हॉरिजॉन्टल लेयर्स, ऐसे ही वर्टिकल लेयर्स भी हैं कुछ इसमें, और उन वर्टिकल लेयर्स के लिए भी ये लोड कैसा है, पैरेलल, तो उन वर्टिकल लेयर्स पर भी कैसा स्ट्रेस डेवलप होगा, शियर। या तो चाहे इसमें आप लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स हॉरिजॉन्टल ले लो, चाहे लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स वर्टिकल ले लो, दोनों टाइप्स के लेयर्स पर जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो शियर डेवलप होगा, और जो क्रॉस सेक्शंस है जितने भी इसमें क्रॉस सेक्शंस है, एक क्रॉस सेक्शन, उसके बाद ये दूसरा क्रॉस सेक्शन है, देखिए यहां पर एक और क्रॉस सेक्शन है, फिर एक और क्रॉस सेक्शन है यहां पर, ठीक है। तो ऐसे इसमें इन्फिनिट क्रॉस सेक्शंस है, सभी क्रॉस सेक्शंस के लिए ये लोड कैसे है, परपेंडिकुलर, तो सभी क्रॉस सेक्शंस पर लोड कैसा आएगा, नॉर्मल लोड आएगा, तो मतलब स्ट्रेस भी कौन सा डेवलप होगा, नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप होगा, क्योंकि अभी हमने यहां पर जैसे डिस्कस किया ये एक तरह का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, कौन सा है, कंप्रेसिव, लॉन्गिट्यूडनल में कौन सा है, कंप्रेसिव, ठीक है, अगर लोड आउटवर्ड्स है तो टेंसर, ओके। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, टेंसर स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, और ये हमने पढ़ लिया है, इसका यूनिट आपको ध्यान में रखना है, पास्कल होता है, बार होता है, मेगा पास्कल होता है, ठीक है, सभी यूनिट्स किसके हैं, स्ट्रेस के यूनिट्स, ओके। नेक्स्ट इज शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस इज, शियर स्ट्रेस इज टाउ, टाउ इज शियर लोड, शियर लोड अपॉन, लोड मतलब फोर्स, शियर फोर्स अपॉन एरिया पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ लोड। जब हम नॉर्मल स्ट्रेस की बात करते थे तो लोड अपॉन एरिया परपेंडिकुलर टू द लोड, लोड अपॉन एरिया परपेंडिकुलर टू द लोड दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस, एंड लोड अपॉन एरिया पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड दैट इज शियर स्ट्रेस, ओके। तो शियर लोड उसी को हम क्या बोलेंगे, शियर लोड भी बोलेंगे, तो इट मीन्स इसको क्या बोल सकते हैं, एफ शियर अपॉन एरिया, एरिया कौन सा, शियर एरिया, शियर एरिया ही बोलते हैं जिस एरिया पर शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ओके। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपका सरफेस है, इस सरफेस पे हमने ये लोड लगाया एफ शियर एंड इट इज पैरेलल टू दिस एरिया, इस एरिया के लिए पैरेलल है, तो इस पर जो स्ट्रेस डेवलप होगा कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, और यूनिट क्या होगा, फिर से पास्कल, ओके। जहां पर भी स्ट्रेस लिखा हुआ है इसका मतलब उसका यूनिट क्या है, पास्कल है, ओके, ओके। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस, ओके। स्ट्रेन से बाद में स्ट्रेस डेवलप होता है, पहले स्ट्रेन डेवलप होता है, स्ट्रेन की वजह से रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होती है, रेजिस्टिंग फोर्स की वजह से स्ट्रेस डेवलप होता है, ओके, ओके। नेक्स्ट इज इलास्टिक कॉन्स्टेंट, इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स, इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स यहां पर देखेंगे अभी हम, ठीक है। इलास्टिक कॉन्स्टेंट से पहले एक बार हम ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन देख लेते हैं, ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन, इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स बाद में देखते हैं, पहले ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन देखते हैं, पहले ट्रू स्ट्रेस देखते हैं, ट्रू स्ट्रेस क्या होता है, देखिए अभी तक हमने जो स्ट्रेस पढ़ा उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस, जो अभी हमने डिस्कस किया है पीछे जो स्ट्रेस डिस्कस किया है उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रू स्ट्रेस, क्या ट्रू स्ट्रेस, इसको बोलते हैं सिग्मा ट्रू, ओके। देखिए इसका क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से
दिस इज ए मेंबर और इस मेंबर पर हमने इस तरीके से लोड लगाया था, दिस इज एफ लोड, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है दिस इज ए। तो इसमें जो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा, टेंसाइल स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, एफ अपॉन ए, और इसी को हम क्या बोलेंगे, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस। ए को हम ओरिजिनल एरिया ले देते हैं, एओ, एओ इज द ओरिजिनल एरिया, दिस इज ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया। एफ इज अप्लाइड फोर्स। ये हमने सिर्फ यहां पर टेंसाइल का केस लिया है, ऐसा नहीं है कि यहां पर सिर्फ टेंसाइल का केस लेना है, केस आप कोई भी ले सकते हो, शेयर का भी ले सकते हो, कंप्रेसिव का भी ले सकते हो, ठीक है। बट अभी हमने हम कॉन्सेप्ट को समझना, तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने टेंसाइल ले लिया। सो लोड अपॉन ओरिजिनल एरिया इज इंजीनियरिंग स्ट्रेस। अब देखिए क्या होता है, जब हम इसमें लोडिंग करते हैं तो इसकी लेंथ में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। अगर इसकी लेंथ पहले एल है तो कुछ टाइम के बाद इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, एल प्लस डेल्टा एल। लेंथ में कुछ ना कुछ चेंज आ गया, लेंथ में चेंज आने की वजह से उसका क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा। पहले अगर क्रॉस सेक्शन ए नॉट था, अब मान लीजिए ए हो गया, ठीक है। लेट लेट ए इज इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शन एरिया, लेट ए इज इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शन एरिया। अब देखिए फोर्स अभी भी लगी हुई है यहां पर, फिर सेम वही। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, इनिशियली जब हमने फोर्स लगाई थी तब तो था एरिया ए नॉट, बट जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ रही है ए नॉट कम होते जा रहा है, और ए नॉट जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे ये चीज यहां से अलग होनी चाहिए। तो क्या हम यहां पर बोल सकते हैं कि स्ट्रेस एक्चुअल में हर पॉइंट पे ये नहीं रहेगा, ये तो इनिशियल स्ट्रेस था जब एरिया ए नॉट था, अब जैसे जैसे ए नॉट की जगह पर ए आएगा तो यहां पर भी ए हो जाना चाहिए ना। तो इसका क्या मतलब है, यहां पर हम लिखेंगे ट्रू स्ट्रेस। ट्रू स्ट्रेस क्या होगा, लोड अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया। इंस्टेंटेनियस एरिया का क्या मतलब है, एक ऐसा एरिया जो किसी एक इंस्टेंट पर है, किसी एक इंस्टेंट पर एरिया क्या है, ए, सॉरी सो किसी एक इंस्टेंट पर एरिया जो है वो है ए। सो ट्रू स्ट्रेस क्या होगा, ट्रू स्ट्रेस विल बी इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो एक्चुअल में तो हमने स्ट्रेस ये वाला कैलकुलेट किया था एफ अपॉन ए नॉट, बट लग कौन सा रहा है, एक्चुअली एक्चुअली लग कौन सा रहा है, एफ अपॉन ए, क्योंकि ए नॉट मतलब सिर्फ इनिशियली था, उसके बाद तो ये ए हो गया, ठीक है। किसी भी एक इंस्टेंट पर आप देखोगे तो एरिया ए है, ठीक है। और ये ए जो है इट इज वेरिएबल, ये वेरिएबल है, ठीक है, इट कैन चेंज, ठीक है। और कहां से कहां तक चेंज हो सकता है, ए इज वेरिएबल फ्रॉम ए नॉट टू ए फाइनल, ए नॉट से लेके ए फाइनल तक चेंज हो सकता है, ठीक है, क्लियर। सो मींस ट्रू स्ट्रेस विल बी इक्वल टू लोड अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया विच इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, और यू कैन से एफ अपॉन ए नॉट माइनस डेल्टा ए, ठीक है, और यू कैन से प्लस डेल्टा ए, ए नॉट प्लस डेल्टा ए। अब डेल्टा ए कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा, जब एरिया बढ़ेगा, और एरिया बढ़ेगा कब, जब एफ नॉट जो है, जब एफ जो है वो कॉम्प्रेसिव है। व्हेन एफ विल बी कॉम्प्रेसिव तो लेंथ क्या होगी, कम होगी, लेंथ कम होगी तो एरिया बढ़ेगा, तो मतलब डेल्टा ए विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव फॉर कॉम्प्रेसिव लोड, ठीक है, कॉम्प्रेसिव लोड के लिए पॉजिटिव होगा, एंड डेल्टा ए विल बी नेगेटिव फॉर टेंसाइल लोड। टेंसाइल लोड के लिए कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि एरिया क्या होता जा रहा है, डिक्रीज, ओके। सो देखिए एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट
we can say that a naught into l naught is equal to a into l. a naught into l naught क्या है? volume of solid body. ठीक है, volume of solid जो है, पहले क्या था? a naught into l naught था. cross section area into length क्या होता है? volume होता है, ये हम सबको पता है. ठीक है, तो cross section area into l naught वो क्या है? initial volume. और final volume भी क्या होगा? same होगा. ठीक है, आप यहां पर लिख सकते हैं AF into LF. ठीक है, और किसी एक इंस्टेंट पर भी वॉल्यूम सेम होगा. वॉल्यूम सेम क्यों होगा? क्योंकि डेंसिटी में तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है और मास सेम है. अगर डेंसिटी और मास कांस्टेंट है, ठीक है, देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है. डेंसिटी पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस लोडिंग से. ठीक है, और मास भी कॉन्स्टेंट है तो वॉल्यूम भी कॉन्स्टेंट होगा. और अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो ए नॉट एल नॉट इज इक्वल टू ए एल इज इक्वल टू ए एफ एल एफ होगा. तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि a will be equal to a naught l naught upon l. a will be equal to a naught l naught upon l. ठीक है, तो इसी चीज को अब यहां पर अप्लाई करिए. ट्रू स्ट्रेस के फॉर्मूला में पुट कर देते हैं. देखिए, सिग्मा ट्रू विल बी इक्वल टू लोड अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया एंड दिस विल बी इक्वल टू लोड अपॉन a की जगह पर क्या लिख सकते हैं? a नॉट l नॉट इंटू l. ओके, a naught l naught into l, this is a, and you can say f upon a naught into l को क्या लिख सकते हैं? देखिए, l naught plus delta l upon l naught. delta l क्या है? change in length. देखिए, change in length l naught plus delta l, यही क्या था? instantaneous length था, किसी भी instant पर जो length है. ठीक है, ओके, सो एफ अपॉन ए नॉट देखिए क्या है. एफ अपॉन एट नॉट क्या है? सिग्मा इंजिन रिंग. तो यहां पर लिख सकते हैं सिग्मा इंजिन रिंग इंटू एल अपॉन एल नॉट. देखिए, 1 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल नॉट, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा टू. सो यू कैन से दैट सिग्मा इंजिन रिंग इंटू 1 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल नॉट क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या होता है? स्ट्रेन. एंड दिस इज इंजीनियरिंग स्ट्रेन. देखिए, स्ट्रेन में भी एक इंजीनियरिंग स्ट्रेन होता है, एक ट्रू स्ट्रेन होता है. ठीक है, तो जो अभी तक हमने स्ट्रेन पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है? इंजीनियरिंग स्ट्रेन पढ़ा है. तो इसलिए यहां पर डेल्टा एल अपॉन एल नॉट क्या है? इंजीनियरिंग स्ट्रेन. तो यहां से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो निकल के आता है वो क्या है?